इमारतें आग की लपटों में घिरी नजर आ रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां दक्षिणी बेरूत में इजराइल की सेना का ऑपरेशन जारी है। दक्षिणी बेरूत में इजराइल ने पहली बार हवाई हमले किए हैं। हवाई हमले से पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। कई इमारतें आग की लपटों में घिरी हुई नजर आ रही हैं और ये कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां पर दक्षिणी बेरूत में, लेबनान के दक्षिणी बेरूत में ये हमला किया गया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि एक दिन पहले ही जब ईरान ने इसराइल के कुछ इलाकों में हमला किया था, इस दौरान अब इसराइल ने साफ किया था कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और एक बार फिर से लेबनान के दक्षिणी बेरूत में इसराइल ने हवाई हमला किया है। पहली बार हवाई हमला किए जाने की जानकारी है और इस दौरान पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। पूरा इलाका इस वक्त ध्वस्त नजर आ रहा है। कई जो इमारतें हैं वो आग की लपटों से घिरी हुई नजर आ रही हैं। लोगों ने इसका वीडियो बनाया, वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, वायरल हो रहा है। देखिए आप, दो देशों के जो संघर्ष है उसमें विराम लगा पाना मुश्किल हो रहा है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों से ये कोशिश की गई है कि जो युद्ध हो रहा है ये शांत हो जाए, लेकिन उसके बावजूद लगातार एक दूसरे को जवाबी हमले में लगातार नुकसान भी दोनों देश उठा रहे हैं और इसमें आम जन को हानि पहुंच रही है। मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकाने और तेल के कुएं को जलाने का वॉर प्लान बनाया है। ब्रिटेन के जंगी जेट भी इजरायल के साथ युद्ध में उतर गए हैं। सुपर पावर अमेरिका ने युद्ध में हर तरह से साथ देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के ऐलान से ईरान से ज्यादा तुर्की में खलबली मचा दी गई है। इसराइल ने नसरल्ला को मारा तो युद्ध में ईरान आया। ईरान ने इसराइल को दहलाया तो वॉर जोन में अमेरिका आया। अमेरिका के युद्ध में आते ही क्या पुतिन ने खाड़ी में दी दस्तक? आर पार का युद्ध है ये, अब किसी के रुके ना रुकेगा। हर खेमे में ऐलान हो चुका है, इसराइल और इस्लामिक फाइटर की लड़ाई महायुद्ध में बदल गई है। भीषण हमले शुरू हो चुके हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल फट रही हैं। जैसे लेबनान दहल रहा है वैसे ही इसराइल में कोहराम मचा है। ईरान के हमले के बाद इस युद्ध में अमेरिका ने भी दमदार एंट्री कर ली है। तुर्की भी इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है, मतलब ये कि महायुद्ध में अब महाशक्तियों के हथियारों की टक्कर शुरू होगी। इसराइल को 181 फतेह मिसाइल हमले से दहलाने के बाद ईरान ने जो ऐलान किया है उसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए खाड़ी मुल्कों से फौरन रफा दफा होने का फरमान सुनाया है। इसराइल पर हमले का जश्न जिस तरह से ईरान समर्थित लड़ाके मना रहे हैं उससे सुपर पावर अमेरिका बौखलाया हुआ है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल स्ट्राइक को सिर्फ ट्रेलर कहकर आगे की तबाही से अलर्ट भी कर दिया है। بدون شک این درگیری ها این جنگ ها این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن منطقهشون رو اداره کنن تهران کے سیکرٹ لوکیشن سے خامنئی کے میسج آنے بھر کی دیر تھی کہ کئی ملکوں میں ہائی لیول میٹنگ شروع ہو گئی प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम से हाई लेवल मीटिंग बुलाकर इसराइल को फुल सपोर्ट का ऐलान किया है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसराइल पर हुए हमले की कीमत तेहरान से वसूलने की धमकी देने के साथ खाड़ी के सभी यूएस बेस पर हाई अलर्ट कर दिया है।
इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका खाड़ी में नए वॉर प्लान पर जल्द एक्शन ले सकता है। Word fog of war was invented for a situation like this. This is a fluid situation. We will consult with the Israelis on next steps in terms of the response and how to deal with what Iran has just done, and we will continue to monitor for further threats and attacks from Iran and its proxies. अमेरिका के ओपन ऐलान के बाद भी ईरान में जश्न का दौर जारी है। ईरान की सड़कों पर बैनर पोस्टर में युद्ध के लिए रेडी होने की धमकी दी जा रही है। मायने ये कि अब ईरान अपने सभी हिसाब चुकाने के मूड में है, लेकिन सुपर पावर से ईरान कितने दिन युद्ध कर पाएगा? अमेरिका के हथियारों की काट ईरान कहां से लाएगा? क्या ईरान अरब देशों के दम से अमेरिका इसराइल से युद्ध जीतने का भ्रम तो नहीं पाल रहा? ईरान के दुस्साहस की असल डिटेल जानने से पहले अरब वर्ल्ड से आया ये मैसेज भी सुन लीजिए। मैसेज है सऊदी अरब का, मैसेज है ईरान के लिए, जिसमें साफ कहा गया है कि सऊदी अरब खाड़ी में वॉर टेंशन को बढ़ने नहीं देना चाहता। The escalation that we've seen, but I will generally refer anyone who's interested to the Ministry of Foreign Affairs because they are designated to comment on this. However, looking at the global economy as a whole, looking at our region, it is clear is operating at a loss. सऊदी अरब का मैसेज ईरान के लिए अलार्म है, जबकि ताकतवर तुर्की भी अमेरिका के वॉर जोन में आने से दहल गया है। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान को डर सता रहा है कि ईरान के बाद उनका ही नंबर है। तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अर्दोगान ने अंकारा में अपने भाषण में ये डर बयां किया। अर्दोगान ने नेतन्याहू को डायरेक्ट धमकी देकर तुर्की को टारगेट बनाने से पहले 100 बार सोचने के लिए कहा है। इसराइल durdurmalıdır. İslam dünyası aynı şekilde vatan savunmasında mutlaka Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olmalıdır. Biz Türkiye ve Türk milleti olarak bu zor günlerinde तुर्की डरा हुआ है, सऊदी अरब शांति का पैगाम दे रहा है, फिर ईरान युद्ध की ललकार किसके दम से भर रहा है? वॉर जोन में तहलका मचाने की शुरुआत इसराइल कैसे करता है, ये बेरूत की बर्बादी बताती है। ईरान के मिसाइल स्ट्राइक का जवाब इसराइल भयानक पलटवार करेगा, इसमें किसी को शक नहीं। तो क्या ईरान रूस और चीन के बैकअप से अमेरिका से भिड़ने जा रहा है? ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का जोखिम किसके कहने पर मोल लिया है? पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो बेहद डरावना है। रूस ने पश्चिम एशिया के युद्ध संकट का ठीकरा अमेरिका पर फोड़ दिया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने बाइडेन को जमकर कोसा है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने टेलीग्राम पोस्ट में दावा किया, पश्चिम एशिया में बाइडेन पूरी तरह विफल रहे हैं, खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, ये व्हाइट हाउस की समझ से बाहर है। अमेरिका सिर्फ बयान से संकटों को हल करने में लगा है, जो उसके बस का नहीं। इसराइल के हमले के बाद लेबनान को राहत पैकेज भेजकर रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। खाड़ी युद्ध में फिलहाल रूस ईरान खेमे में है। चीन पहले ही ईरान को सैटेलाइट डील करके मदद पहुंचा रहा है, लेकिन वॉर जोन में ये दोनों देश ईरान के साथ उतरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, खासकर चीन। उधर अमेरिका तय कर चुका है कि अब की बार ईरान का पक्का इलाज करेगा। ईरान को घुटनों पर लाने में अमेरिका और इसराइल को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। अमेरिका इसराइल को हर तरह से मदद पहुंचाता है, हमास पर बरस रहे मिसाइल हों, हिजबुल्ला के अड्डे पर फट रहे रॉकेट हों, या फिर हूती विद्रोहियों को दहला रहे जंगी जेट, ये सभी हथियार मेड इन अमेरिका हैं। इसराइल सुपर पावर के दम पर सभी दुश्मनों से अकेले लड़ रहा है। ऐसे में ईरान ने अगर इसराइल में घुसकर हमले की हिमाकत दिखाई तो अमेरिका को ईरान को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका के 100 सैन्य अड्डे खाड़ी के देशों में है, जहां करीब 40,000 जवान तैनात हैं। बहरीन में मौजूद ईसा एयरबेस को अमेरिकी वायुसेना संचालित करती है। बहरीन में अमेरिका का बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है। बहरीन में नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड और अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी है। इसके अलावा भी अमेरिका के कुवैत, ओमान, इराक, जॉर्डन,
फिलीपींस, कतर, सऊदी अरब, सेशल्स, सीरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य अड्डे मौजूद हैं। अमेरिका के जंगी बेड़े चलते फिरते परमाणु गोदाम है। यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे न्यूक्लियर हथियारों से लैस रहते हैं जो किसी भी देश को पल भर में परमाणु धमाके का एहसास करा सकते हैं। अमेरिका के एटमी हमले का जवाब देने की ताकत फिलहाल ईरान के पास नहीं है। चीन जैसे मौका परस्त दोस्त से ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की हसरत कभी पूरी नहीं हो सकती। बचे पुतिन तो वो इस युद्ध के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जिन्हें दुनिया मोस्ट पावरफुल लीडर कहती है। यूक्रेन की तबाही पुतिन के प्रचंड क्रोध का जिंदा सबूत है। पुतिन का ईरान के साथ युद्ध में आने से एटमी पावर का भी पल्ला ईरान के हक में चला जाएगा, लेकिन ये युद्ध तब पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा। वजह है एटमी धमाके। अमेरिका के एटम बम का धमाका इस धरती ने एक बार झेला है। परमाणु त्रासदी से बचने का कोई भी रास्ता इंसानों के पास फिलहाल तो नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इसराइल लेबनान युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी। हसन नसरल्लाह का दामाद मारा गया है। दमिश्क में हसन जाफर अल कासिर मारा गया, इसराइल के हवाई हमले में मारा गया अल कासिर। और आप जैसे कि पहले से ही मालूम है कि जो हिजबुल्लाह संगठन का चीफ है नसरल्लाह और उसकी बेटी जैनब, वो पहले ही मारे जा चुके हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी जानकारी यह है कि हसन नसरल्लाह का दामाद मारा गया है। दमिश्क में हसन जाफर अली कासिर मारा गया, इसराइल हवाई हमले कर रहा है और इस हवाई हमले में अल कासिर की मौत हुई है। तो बड़ी जानकारी, जहां दमिश्क में हसन जाफर अल कासिर मारा गया है, जहां इसराइल लेबनान युद्ध से जुड़ी ये बहुत बड़ी अपडेट, हसन नसरल्लाह का दामाद मारा गया। ईरान को जवाब देने से पहले ही इसराइल को ग्राउंड ऑपरेशन में बहुत बड़ा झटका लगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ क्या इसराइल ये युद्ध जीतेगा या फिर हारेगा, इन सवालों ने नेतन्याहू को तब परेशान कर दिया। इस वक्त इसराइल के 1,00,000 सैनिक लेबनान बॉर्डर पर खड़े हैं और पहले ही हमले में हिजबुल्लाह ने बड़ा झटका दे दिया है। इतनी मिसाइल एक साथ गिरेंगी तो क्या होगा? ईरान के एक हमले ने 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इतनी मिसाइल से एक साथ बचाएगा कौन? इतने बड़े हमले के बाद इसराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल ये मिसाइल नहीं, बल्कि नेतन्याहू के सामने इससे भी बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है। दक्षिण लेबनान में शुरू हुआ इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही फंस चुका है। हिजबुल्लाह ने बॉर्डर पार करने वाली इसराइल की कमांडो यूनिट पर बड़ा हमला किया और उसको खदेड़ दिया। मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन पहले दिन फेल हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि लेबनान इसराइल बॉर्डर पर बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने वाला ऑपरेशन इसराइल ने लॉन्च किया, इसका वीडियो भी भेजा। लेकिन जब ईरान 1 अक्टूबर को इसराइल के मिलिट्री बेस पर मिसाइल दाग रहा था, तब लेबनान इसराइल बॉर्डर पर एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन जारी था। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इसराइली कमांडो को ओदेसा और कफार किला के इलाके में बड़ी टक्कर दी है। उसके कई कमांडो मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी हमले का दावा किया गया है। एक तरफ नेतन्याहू का लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन है, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल अटैक। इसराइल इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है। इसराइल को तेहरान को भी जवाब देना है और लेबनान में भी ऑपरेशन करना है। नेतन्याहू इस वक्त कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। इस खबर से बाइडेन बहुत ज्यादा बेचैन है और आगे इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, इसे लेकर मॉस्को में बैठे व्लादिमीर पुतिन भी टेंशन में है। इस वक्त दुनिया में 4 पावर सेंटर तैयार हो चुके हैं जो इस युद्ध का फैसला करेंगे। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस,
क्या अमेरिका इसराइल की मदद के लिए डायरेक्ट इस युद्ध में कूदेगा? इसराइल की राजधानी तेल अवीव में क्या फैसला होने वाला है? तीसरा शहर ईरान की राजधानी तेहरान, जहां सुप्रीम लीडर अली खामनेई का वॉर रूम बड़े फैसले ले सकता है। और चौथा शहर है रूस की कैपिटल मॉस्को, जहां से अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि ईरान इसराइल के मोर्चे को भी मैसेज पहुंचाया जा सकता है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया महायुद्ध के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है। नीचे आग सुलग रही है। बम, मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दहशत फैली हुई है। ईरान के हमले के बाद अब गेंद इसराइल के पाले में है। और नेतन्याहू लगातार मीटिंग करके पूछ रहे हैं कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए, इस बुल्ला को कैसे खत्म किया जाए। Y en el caso del Líbano insistimos en que la invasión terrestre debe detenerse, ya que han llegado informaciones muy preocupantes esta mañana, y España está firmemente comprometida con la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta resolución sigue conteniendo a día de hoy todos los elementos necesarios para resolver esta crisis. 2024 में सितंबर का महीना पश्चिम एशिया में नई आग लेकर आया, जब बेरूत में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को इजरायल ने एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया। इसके बाद 1 अक्टूबर को ही ईरान ने इजरायल पर हमला कर दिया। सवाल है कि क्या इसी महीने अमेरिका और रूस भी इस युद्ध में कूदेंगे और महायुद्ध शुरू हो जाएगा। इस वक्त ईरान और इसराइल दो कैंपों में बटे हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा सकता है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ है और रूस ईरान के साथ। ये चारों ताकत ऐसी हैं कि इनकी टक्कर वर्ल्ड वॉर की वजह बन सकती है। अमेरिका ने इसराइल को गोले बारूद की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में तेज की है। बंकर बस्टर से लेकर हर तरह का बम इसराइल को सप्लाई किया गया है। लेकिन 1 अक्टूबर की रात को ईरान के मिसाइल अटैक ने साबित कर दिया कि इसराइल चाहे जिसकी मदद ले, जिससे हथियार ले, कोई भी उसकी ढाल बने, ईरान नसरल्ला से लेकर हानिया सबका बदला अकेले अपने दम पर ले सकता है। अब सब कुछ नेतन्याहू के वॉर रूम पर निर्भर करता है। वो क्या फैसले लेंगे? क्या इसराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है? क्योंकि इसराइल के सामने चुनौती सिर्फ ईरान नहीं बल्कि चार मैदान है जहां युद्ध एक्टिव मोड में चल रहा है। पहला फ्रंट गाजा है, जहां इसराइल हमास से लड़ रहा है। दूसरा फ्रंट लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला से लड़ रहा है। तीसरा फ्रंट यमन है, जहां इसराइल हूती के अड्डों पर बमबारी कर चुका है। अब चौथा फ्रंट इराक बन सकता है, क्योंकि इराक में ईरान के समर्थन वाला मिलिशिया गुट हशद अल शाबी भी एक्टिव हो गया है। जब ईरान की मिसाइल इसराइल पर गिर रही थी, तभी यमन में भी हूती अपनी कुद्स 5 मिसाइल इसराइल पर फायर कर रहे थे। إن القوات المسلحة اليمنية تبارك عملية الوعد الصادق الإيرانية الثانية ضد العدو الإسرائيلي وتؤكد استعدادها للمشاركة في أي عمليات عسكرية مشتركة ضد العدو الإسرائيلي انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني وردا على أي عدوان إسرائيلي يطال جبهات الإسناد. मोर्चे बढ़ने से इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की कामयाबी पर सवाल उठने लगे हैं। 1 अक्टूबर की रात ईरान के मिसाइल अटैक ने इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका को भी खतरा है कि इसराइल का हाल फिर वर्ष 2000 और 2006 जैसा ना हो। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि गाजा के अलावा इसराइल किसी दूसरे फ्रंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए। I think it's certainly not very realistic because that was the claim in 2006 with the other war on Hezbollah in the south of Lebanon, and it took almost a month to get ceasefire and end of the aggression on both sides. So I think it's going to take a long time, particularly that ground invasion will involve element of Hezbollah who are very well trained in guerrilla warfare. 2006 में हिजबुल्ला इतना मजबूत नहीं था, लेकिन उसने अपने दम पर इसराइल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया था। यही वजह है कि इसराइल अमेरिका से इस बार भी पूरा बैकअप चाहता है। नेतन्याहू लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला को कोने कोने से खत्म करना चाहते हैं।
इसे आप नेतन्याहू का ऑपरेशन ऑल आउट भी कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही ईरान ने कर दी इसराइल पर सर्जिकल मिसाइल स्ट्राइक। सवाल ये